नमस्कार दोस्तों, रेवास किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एक कप चाय बनाना बताने जा रही हूँ। सामान्यतः हमारे घरों में जो चाय बनाने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो इस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले आप एक पतीला लीजिए, इसे आप ऑन करिए। मैंने 3/4 कप दूध लिया है। इसके अंदर 1/4 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये चाय स्ट्रॉन्ग पीनी है आपको तो थोड़ी और ज़्यादा इसमें चाय डाल दीजिए आप। वैसे 1/2 टीस्पून इसके लिए काफ़ी होगा। और ये मैं 2 चम्मच चीनी, पूरी भरी हुई नहीं है, अगर आप फुल भर के लेते हैं तो इसे 1.5 टीस्पून डालिए चीनी, और अगर आप और कम लेते हैं तो 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। चीनी स्वाद अनुसार आपकी जाएगी। तो इस तरह से भी देखिए उबाली आने लगी है। अब अगर आप इसमें अदरक ऐड करना चाहते हैं तो जब इसमें उबाली आ जाए तब आप इसमें अदरक क्रश करके डालिए। आप इसमें इलायची डालना चाहते हैं तो उस वक्त आप डालिए। मैं इसे थोड़ा कम कर देती हूँ। मैं अभी इसमें इलायची ऐड करूँगी। इलायची क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। इसमें उबाली आ चुकी है, मैं इसमें ये इलायची डाल दूँगी। ये सिंपल टी है, इस तरह से हम मसाला टी बनती है, हमारी ग्रीन टी बनती है। ज़्यादा दूध वाली चाय बनती है जिसे हम मलाई चाय बोलते हैं। तो जैसे अगर आपको दूध ज़्यादा चाहिए तो इसमें आप पानी कम डालिए, और अगर आपको कैंटीन चाय पीनी है तो इसके अंदर आप पानी ज़्यादा डालिए और दूध की मात्रा कम कर लीजिए। तो जैसे जैसे जो टेस्ट आपको चाहिए वो आपको इसमें कम ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं इसे 1/2 मिनट तक उबाल रही हूँ। अगर आपको 2 कप चाय बनानी है तो इसी तरह से आप 1/2 कप पानी और 1.5 कप दूध लीजिए, उसके अंदर 1.5 चम्मच चीनी डालिए, और शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग तो जाना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार डाल लीजिए, नहीं तो आपको 3 छोटी चम्मच की आवश्यकता रहेगी। 3 कप चाय के लिए आपको इसमें 2 कप और 1/2 कप आपको दूध मिलाना पड़ेगा, 1 कप आपको पानी इसमें डालना होगा, और चाय और चीनी आपको अपने स्वाद अनुसार इसमें डालनी होगी। चीनी फिर भी आप इसमें 5 छोटी चम्मच डालिएगा, और चाय आप इसमें 2 से 2.5 चम्मच डालिएगा, जिससे आपका नॉर्मल टेस्ट आ जाएगा। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो आप इसमें 3 चम्मच डाल सकते हैं। मेरी चाय बनकर तैयार है, अब मैं इसे छान लेती हूँ। मेरा 1 कप टी रेडी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।